स्टूडेंट 13.1 का प्रश्न नंबर 7 ये है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। तो सबसे पहले हम तंबू को बनाते हैं। तंबू के लिए एक बेलन बनाएंगे। तो ये एक हमने बेलन बना लिया। बेलन जो है वो ये एक तंबू है जो बेलन के आकार का है, जिसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। तो ये आपका बेलन है, इसके ऊपर एक इस तरीके से ये शंकु बना हुआ। ये एक आपका तंबू है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का आप दे सकते हैं। ये बेलन है और इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है, तो ये ऊंचाई जो है वो 2.1 मीटर है बेलनाकार भाग की, जबकि बेलनाकार भाग का जो व्यास है वो 4 मीटर दिया है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L 2.8 मीटर है। तो आप देख सकते हैं शंकु की ये तिर्यक ऊंचाई है जो कि 2.8 मीटर है। इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, साथ ही ₹500 प्रति मीटर की स्क्वायर दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत भी ज्ञात करनी। तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बेलनाकार भाग की ऊंचाई है वो दे रखी है आपको, बेलनाकार भाग की ऊंचाई जिसको हम h से लिखते हैं, ये दिया हुआ है बराबर 2.1 मीटर। साथ ही बेलनाकार भाग का व्यास व्यास यानी डायमीटर जो आपको दिया है 4 मीटर। तो जब भी व्यास दिया हो तो उससे आप त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या होती है व्यास की आधी यानी 4/2, तो ये 2 मीटर आ जाएगी। यानी बेलनाकार भाग की जो त्रिज्या है वो 2 मीटर है। तो जितनी त्रिज्या बेलनाकार भाग की होगी 2 मीटर, उतनी ही त्रिज्या आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी भी होगी स्वांकाकार भाग की। और यहाँ पर जो त्रिज्या ऊंचाई L है वो 2.8 मीटर दी है। तो आप देख सकते हैं चूंकि ये त्रिज्या ऊंचाई 2.8 मीटर पता है आपको, और ये त्रिज्या भी स्वांकाकार भाग की त्रिज्या ऊंचाई 2.8 मीटर है और स्वांकाकार भाग की त्रिज्या 2 मीटर है, इससे आप चाहते हैं तो ये h निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है, प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल। तो प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल बराबर होगा जो बेलनाकार भाग है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस स्वांकाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल, प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस स्वांकाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे तो बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) होता है, जबकि स्वांकाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr(l) होता है। आप देख सकते हैं दोनों में से पाई आर कॉमन मिलेगा, तो यहाँ 2h+l हो जाएगा। इसमें हम पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान जो कि दिया हुआ है 2 है, और 2 × h का मान आप देख सकते हैं कि 2.1 है, प्लस l यानी त्रिज्या ऊंचाई जो है वो 2.8 है। तो यहाँ 22/7 × 2, और 2.8 को 2 से गुणा करेंगे तो 4.2 आएगा, प्लस 2.8, 4.2 को जब हम गुणा करेंगे 2.8 में जोड़ेंगे तो 8 × 2 = 10, 1 हासिल 4 × 2 = 7 आएगा। 7 से ये 7 आपका कैंसिल होगा, 22 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 44 मीटर² आ जाएगा। यानी तंबू को बनाने में जो प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल होगा वो 44 मीटर² होगा। अब इसके बाद आपको निकालना है कि प्रयुक्त अगर ₹500 प्रति मीटर की स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत। तो आप देखते हैं कि 1 मीटर² कैनवस की जो लागत है, कैनवस की
की लागत बराबर है 500 रुपये। इसलिए आप कह सकते हैं 44 मीटर स्क्वायर कैनवस की जो लागत होगी वो 44 × 500। तो इसको गुणा करेंगे, 2 × 0 5 × 20 = 2 × 5 × 20 = 22। यानी आपको 22,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे स्तंभों को बनाने में। धन्यवाद।